हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे इत्तेजाज जो है इतने बढ़ते जाएंगे जब तक ये बलात्कारियों का जो है रुकावट ना होगा। गुजरात अहमदाबाद में हाल ही में जो है आसिफा के बाद गुजरात अहमदाबाद में एक बार मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, फिर उसके बाद में 18 तारीख यूपी में एक बलात्कार हुआ। ये आसिफा के साथ साथ ये बच्चियों के साथ भी जो है नाइंसाफी हो रही है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से जब तक के बलात्कारियों का ये बलात्कार ख़त्म न होगा इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद से जो इत्तेजाज शुरू हुआ इंशाअल्लाह ताला पूरे मुल्क हिंद में ये इत्तेजाज चलते रहेगा जब तक के इंसाफ न होगा। हम आप सबसे ये अदबन गुजारिश करते हैं जो आसिफा के और जो बलात्कारियों का शिकार हुए बच्चियों का उन सब के साथ इंसाफ की आवाज़ से जो है हम हुकूमत तेलंगाना से और हुकूमत जो है हिंदुस्तान की हुकूमत से ये अपील करते हैं बार बार के जो है बलात्कारियों को जो सज़ा देना है वो सज़ा दे और जो है जो वकीलों के लिए और जो डीएसपी मैडम के लिए जो धमकियाँ आ रही हैं जो रुकावट आ रही और हुकूमत हिंद से हम ये बार बार अपील करते हैं इनके रुकावटों को जो है कोई आगे बढ़ने ना दे और जो मासूम बच्ची आसिफा और जो मासूम बच्चियां जो है 8-8 साल के बच्चों के साथ जो बलात्कार हुआ यूपी में जो शादी ब्याह के मामले में जो बच्ची आई थी वो मासूम बच्ची का बलात्कार हुआ, क्या हिंदुस्तान में कोई मासूम बच्ची जी नहीं सकती? मोदी जी आप बताइए, आप बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा जो दिए, बेटी बचाने का नारा तो यह है क्या हम आपकी जमात बीजेपी बलात्कारी जमात का नाम है क्या? जो आप पहले जो है बेटी बचाओ का जो बेटी बचाओ के बारे में जो आप बोले वो बेटी बचाने की वजह से अगर पहले हिंदुस्तानी अगर होशियार हो जाते तो जो